दोस्तों फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का जमाना गया और आ गया है रोलेबल टीवीज का टेलीविजन्स का जमाना। जब मैं बात कर रहा हूँ रोलेबल यानी आप जैसे एक पेपर को फोल्ड करते हो रोल करते हो वैसे ही आप टीवी को रोल कर पाओगे, वो भी छोटे वाले नहीं बड़े 65 इंच के टीवी को रोल करके रख दे सकते हो, पेटी में पैक कर सकते हो। जी हाँ, इनफैक्ट एलजी ने कर दिया है डेमो, उनका 65 इंच का एलईडी ओलेड पैनल वाला टीवी उसका डेमो किया है जो आप आराम से रोल कर सकते हो। जब नहीं देखना है, जब देखना है तो उसे अनरोल करके सीधा कर लो। क्या टेक्नोलॉजी है दोस्तों, किधर जा रहे हैं हम इस टेक्नोलॉजी के साथ, आप जरूर बताइए। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज़ नंबर 287। यस, फाइनली हमारे जो गिव अवे है वन प्लस 60 का थंडर पर्पल प्लस मिरर ब्लैक, ऐसे दो वन प्लस 60 के गिव अवे करने वाले थे, उसके रिजल्ट्स आज अनाउंस हो गए हैं। इनफैक्ट हमने जो ड्रॉ किया, जो विनर्स ड्रॉ किए वो लाइव किए ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप उधर फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर कीजिए, सब डिटेल्स आपको गिव अवे के मिल जाएंगे। अगर आप जीते नहीं हो तो चिंता मत कीजिए, रियलमी U1 इसका भी गिव अवे चल रहा है, जीत सकते हो आप, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्या पता उधर जीत जाओगे। एंड फाइनली दोस्तों बहुत दिनों के बाद, दिनों नहीं हफ्तों नहीं महीनों, लिटरली डेढ़ दो साल के बाद माइक्रोमैक्स ने लॉन्च कर दिया है। ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, याद रखिए माइक्रोमैक्स, अगर भूल गए होंगे तो बता रहा हूं। इन्होंने दो स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए, N11 और N12। Has Micromax made a comeback with these two smartphones? जी हाँ, हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर और मैंने बताए हैं मेरे ओपिनियंस N11 और N12 के बारे में, जरूर देखिए। और आप हमें कमेंट्स में बताइए क्या Micromax वापस आ गया है, क्या वो कम्पीट कर सकता है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जरूर बताइएगा। और एक कंपनी दोस्तों जो कमबैक कर रही है उसका नाम है जियोनी। जी हाँ, पहले चाइनीज हुआ करती थी, अब इंडियन कंपनी है, इंडियन ब्रांड है ये जियोनी, नाम चाइनीज है लेकिन इंडियन ब्रांड कह सकते हैं क्योंकि अभी जो इंडियन उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो इंडियन है। 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं उन्होंने, S11 लाइट, F205 और A1 लाइट। जी हाँ, ये सभी 10,000 के नीचे वाले हैं। जो इसका सबसे हाईएस्ट वर्जन है S11 लाइट, वो आता है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर पे, 4GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ, 5.7 इंच की HD प्लस स्क्रीन है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है तीनों भी फोन में। जी हाँ, नॉच नहीं है और इसकी प्राइस दोस्तों है 9,999 या 10,999, पता नहीं। F205 जो है दोस्तों वो आता है 6739 प्रोसेसर पे, 2GB रैम 16GB स्टोरेज, 5699 इसकी प्राइस है। और जो A1 लाइट है वो 6753 प्रोसेसर पे आता है, 3GB 32GB उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ओवरऑल ठीक ठाक है। थोड़े जो मैं कहूँगा कि 67 जो इसका F205 है ठीक ठाक है, 5,650 के लिए, लेकिन बाकी के थोड़े ओवर प्राइस है। याद रखिए ये ऑफलाइन स्टोर्स के लिए, ऑनलाइन पे इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, बाद में आ जाएंगे। दोस्तों ऐसे लगता है कि आज की न्यूज जो है वो कमबैक के लिए है, कूल पैड। जी हाँ, ये भी एक कमबैक कर रहा है। वैसे उन्होंने एक महीने पहले नोट 8 लॉन्च किया हुआ है 9,999, लेकिन उन्होंने आज अनाउंस किया है कि 3 नए फोन्स लॉन्च कर रहे हैं मेगा, उनका जो मेगा ब्रांड है उसके नीचे, तो वेरियंट होने वाले हैं अलग अलग, 3 बड़े बड़े टीजर डाला हुआ है। बहुत ही जल्दी यानी December 20th को, परसों अनाउंस करने वाले हैं, जब आएगा सब डिटेल जरूर देंगे आपको। लेकिन क्या लगता है आपको, कूल पैड कमबैक कर पाएगा? क्योंकि नोट 8 आया और ज़्यादा लोगों ने कुछ सुना नहीं उनके बारे में, पता नहीं कितने लोगों ने खरीदा। वैसे कूलपैड के बारे में ज़रूर बताएगा आपको क्या लगता है। उन्होंने जब लाए थे जो फोन्स प्ले, उनका जो कूलपैड कूल प्ले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ लाया था, एग्रेसिव प्राइस के साथ लाया था, लेकिन अभी पता नहीं। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे हमेशा पूछते हैं कि 5G इंडिया में कब आ रहा है, तो उसके बारे में एक छोटी सी न्यूज है, स्टेपिंग स्टोन है, पहली स्टेप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वावी को इनवाइट किया है कि भाई 5G ट्रायल्स इंडिया में चालू कर दो, और वावी ने एक्सेप्ट कर दिया है वो इनविटेशन और उन्होंने चालू कर दिए 5G ट्रायल्स इन इंडिया। अभी ट्रायल हुआ है, पहला स्टेप है, एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे धीरे धीरे हमें नेटवर्क देखने के लिए, 3 साल कम से कम लगने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपसे एक सवाल है,
बाहर की जो कंट्रीज है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, इन्होंने हुआवी को बैन कर दिया है उनके कंट्री में से। ना ही कोई स्मार्टफोन, ना ही उनका कोई नेटवर्क इक्विपमेंट उनको बेचना अलाउड है, कंप्लीटली बैन है। और इंडियन गवर्नमेंट इनवाइट कर रहा है हुआवी को कि आ जाओ 5G ट्रायल्स करो। इसके बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे जरूर सुनना है। दोस्तों अगली न्यूज देने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आप लाइक क्यों मांगते हो, लाइक क्यों मांगते हो, उतना ही तो एक चीज मांगते हैं, बाकी सब तो देते हैं, बताते हैं, लाइक जरूर कर। फाइनली दोस्तों लेनोवो Z5S लॉन्च हो गया है चाइना में, इंडिया में नहीं। लेकिन ये खबर गरम नहीं है, गरम दूसरी खबर है। जी हाँ, उन्होंने लेनोवो ने अनाउंस किया Z5 Pro जिसमें S नहीं है। और ये दोस्तों आता है, आने वाला है, ये लॉन्च नहीं हुआ है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 पे आएगा। 12GB रैम होने वाली है, 512GB स्टोरेज होने वाला है इसके अंदर दोस्तों। और इसका जो अंतुतु स्कोर है वो सुन के आप हिल जाओगे, 368,000 के ऊपर आता है। अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट अंतुतु स्कोर वाला फोन है वो होने वाला है लेनोवो Z5 Pro। अगर उसके पहले कोई आ गया तो बात अलग है, लेकिन राइट नाउ इट इज ऑन टॉप ऑन द बेंचमार्क स्कोर्स। बहुत सही होने वाला है और अच्छा लग रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी प्राइस, अमेजिंग प्राइस दोस्तों। ये अगर इंडिया में इस प्राइस में आता है तो मैं तो आंख बंद करके ले लूंगा दोस्तों। 12GB रैम, 855, 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 512GB स्टोरेज, ये आपको मिल रहा है 4399 युआन में चाइना में। इसका मतलब कुछ 44,000-45,000 में। अगर यही प्राइस पे इंडिया में आता है क्या बात है। इसका लोअर वर्जन जो है वो दोस्तों आता है कुछ 30,000, अगर कन्वर्ट करते हो तो 27,000-30,000 तक। सोचिए जबरदस्त होगा, आएगा तो वो भी इंडिया में। दोस्तों कितने लोगों को कैप्चा पता है, कैप्चा? जी हाँ, जब भी आप लॉग इन करने जाते हो कोई भी वेबसाइट के ऊपर या कुछ डालने जाते हो तो वो आपको टेक्स्ट ऐसा आधा टेढ़ा टेक्स्ट दिखाता है और आपको डालना होता है। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, लेकिन रोबोट्स के लिए नहीं दोस्तों। जी हाँ, कनाडा और चाइना ऐसे 2-3 जगह के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम बनाया है जिसकी वजह से ये फर्स्ट ट्राई में 90% सॉल्व कर देता है, मतलब ह्यूमंस की भी जरूरत नहीं है, वो ब्रेक कर देता है। इसका मतलब विकिपीडिया, ईबे जैसे जो बहुत सारे कैप्चा डालते हैं, JD.com, इन वेबसाइट्स पे होता है ये कैप्चा, इजीली सॉल्व कर देते हैं। उनका जो एक्यूरेसी परसेंट है वो कुछ 86%, 80%, 90% ऐसा है। इसका मतलब कैप्चा के दिन बहुत कम है, दे आर नंबर्ड, क्योंकि अब AI सब कुछ सॉल्व करता है ह्यूमन से भी ज्यादा। एंड टाइम फॉर टुडेज डील्स दोस्तों, आज की डील है फ्लिपकार्ट का बिलियन, ये जो ब्रांड है उसकी पावर बैंक है, अच्छी पावर बैंक है, अच्छे रिव्यूज मिले हुए, 15,000 मिली एम्पियर आर की ये पावर बैंक है जो जनरली आपको 1500 वगैरह की मिलती है और अभी आपको मिल रही है 800 रुपए में। दूसरा है साउंड पॉट का ब्लूटूथ स्पीकर दोस्तों, ये भी आपको जनरली 2,500-3,000 का मिलता है, एक्चुअल MRP उसकी 4,000 है, वो अब आपको 1400 में मिल रहा है। तो ये दो डील्स जबरदस्त हैं आज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इंटरेस्टेड हो जरूर जाके देख सकते हो। और पोल दोस्तों, जी हाँ, हमारा जो ट्रैकिंग टेक स्मार्टफोन अवार्ड्स है उसके पोल चालू हैं, वोट जरूर कीजिएगा, जस्ट अ रिमाइंडर। और दोस्तों क्या मिला आपको कल का ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट? वैसे कल की ट्रैकिंग टेक न्यूज नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग थी, अलग थी, या आउटडोर्स किया था हमने, मजा आया था करने के लिए, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग थी। वैसे मिला आपको ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट आज का? अगर नहीं मिला है जाके देखिए, टेक न्यूज ठीक तरह से देखिए, फाइंड कीजिए हमारा ट्रेजर हंट। अगर आपको दिखाए जाइए कमेंट सेक्शन में, #TTTH डालिए, साथ में टाइम स्टैम्प डालिए और हमें बताइए स्पेसिफिकली आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर के विनर है मयंक पांड्या। मयंक जी, इमीडिएटली हमें भेज दीजिए आपका अमेजॉन का ईमेल आईडी, अगले 2-3 दिनों में आप तक पहुंच जाएगा आपका अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 287 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिए, नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।